जी सिचुएशन हुई है जी एक बार तस्वीर दिखा दें की कुछ होया जी सिचुएशन हुई है इसके पिछले स्कूल अथॉरिटीज का की कुछ कहना सारा कसूर ही इन्हों का क्यों ये बच्चा बाहर कढ़ देने अजे तुसी दसो तुसी अजे गर्मी बैठ के रोटी खा लोगे बच्चे रोज बोलते हैं मम्मा सानू शेड चाहिए होंगे बच्चे तो पेड़ थले जाके खाएंगे मेरी बेटी कल कंप्लेन कर रही थी मम्मा छोटे छोटे कीड़े होते हैं जहाँ बैठ के खाना खाते हैं हम लोग फीस पे करते हैं थोड़ी देर पंखा चल जाएगा सफाई वाले रख लेंगे क्या हो जाएगा इनको इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इतने बड़े बड़े स्कूल हैं इसलिए हद कर रहे हैं और हम लोग पता नहीं कितनी बार इस चीज की कंप्लेन करके गए कि बच्चों को आप अंदर खाना क्यों नहीं खाने देते हो स्कूल अथॉरिटी ने हजे तक कोई जवाब दिता है कि इसका कारण किसी का दूसरी गल है कि एक हेरिटेज स्ट्रीट सीगा हेरिटेज ट्री सीगा मीडिया दे आर सेइंग डोंट टॉक टू मीडिया वी विल रिजॉल्व द इशू लेटर अच्छा अथॉरिटी ने मना किया मीडिया नाल गल हां वो तो कह रहे ने कि प्लीज आप मीडिया से बात मत करो मीडिया नाल गलबात करने लिए देखो जड़ा किया मना किया जा रहा है जड़े भी पेरेंट्स थे जो भी रोज जड़े किया जाहिर कर रहे हैं लेकिन क्योंकि देखो बच्चों का पूरा वाक्य की सी पूरा वाक्य सी ये जड़ा हादसा वापरया है किवें वापरया अचानक जड़ा दरख्त आ वो किदा डिग गया या फिर बच्चे मौके ते उस वक्त जड़े इकट्ठे किवें उत्थे खड़े हुए सन या फिर लंच ब्रेक सी या फिर की कारण की सी बच्चे उस वक्त पेड़ दे कोल खड़े की कर रहे सी जी बिल्कुल क्योंकि देखो एक हेरिटेज ट्री जड़ा की सीगा काफी पुराना है दरख्त सीगा इत्थे ये कैजुअलिटी जी की हुई है तुम वेख सकते हो क्योंकि जो हूँ जो दरख्त डिग गया उसको हूँ इतों हटाने के लिए कोशिश की जा रही है काफ़ी वड्डा ये दरख्त सीगा ते इसको हूँ इतों जड़ा पेड़ नूं हटाने का प्रोसीजर जो कि शुरू हो चुका है दूजे पासे देखो ये हेरिटेज एक ट्री सीगा ते काफ़ी पुराना है दरख्त सीगा इस चीज़ का पहला ही पता सीगा देखो ये तो इनफॉरमेशन मिली हुई है बोर्ड ते लिखी हुई है इनफॉरमेशन के जड़ा दरख्त है काफ़ी पुराना है तो उसके बावजूद जड़ा यह जहाँ हादसा वापरना अपने आप दे विच वड्डे सवाल खड़े करता है क्योंकि जे दरख्त इन्ना पुराना सीगा तो उसके हिसाब नाल प्रिकॉशनस भी लेनी चाहिए सीगियां पर अनमोल जानकारी निकली है कि बच्चे इतने खेड रहे सी या फिर लंच ब्रेक के तहत बाहर आए सी जिसके तहत अचानक ही हादसा वापर गया जी बिल्कुल किशन लंच ब्रेक के दौरान यह पूरा हादसा वापर है जिस तरीके नाल कुछ पेरेंट्स भी साथ नाल मौजूद सी जिन्हों का कहना सीगा कि जेडे इतने जड़ा हादसा वापर है उस दे विच जेडे स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त बाहर लंच करते नज़र आ रहे थे तो वो लंच टाइम पर लंच ब्रेक पर यह हादसा वापर है पुलिस तो जोड़े ऑफिसर्स वो भी इतने मौजूद ने सर जोड़ा हादसा ये बारे की कुछ इनफॉरमेशन आई थी अपने को साढ़े को इनफॉरमेशन आई थी भी एक पेड़ गिर गया कारमन कॉन्वेंट स्कूल तो इमीडिएटली असी पुलिस डिपार्टमेंट दूजे डिपार्टमेंट जिवें फायर ब्रिगेड है उन्होंने इनफॉर्म किया डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने इनफॉर्म किया इमीडिएट आ के बच्चे असी रेस्क्यू करा के हॉस्पिटल शिफ्ट करते थे बाकी एस एच ओ गया है 13-14 की तादाद से 10 रेंजर बच्चे हैं तफ्तीश जारी है अजे तक कोई कैजुअलिटी वगैरह की इनफॉर्मेशन कन्फर्म नहीं होया बाकी गए हुए साडी टीम उत्थे भेजी हुई है हॉस्पिटल जिहड़ा क्योंकि एक हेरिटेज ट्री सीगा काफ़ी पुराना दरख्त सीगा इहदे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हले इन्हां दा असी साडा जिहड़ा बच्चों नूं बाहर कढ़ रहे हैं सारे नूं बच्चों नूं सेफ देख रहे हैं कोई होर तो नहीं इत्थे कोई बच्चा इंजर्ड तो नहीं है ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बाद च सारा तुहानूं दस दांगे नहीं सर एक चीज़ पुछना चाहुंदे आ एक बोर्ड लग्या होया हैरीटेज ट्री का बहुत पुराना दरख्त सीगा तो उसके मुताबिक इत्थे स्कूल वालों की कोई प्रिकॉशनस लई जा रही सी जिवें कि तुसीं मौके ते आके देख रहे हो असीं देखांगे स्कूल वालों पुछांगे कोई लैटर लिखिया जां प्रशासन वालों कोई इन्हां नूं की हिदायतां सीगियां सारा कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैं दस रहा तुहानूं उस तों बाद सारी इन्वेस्टिगेशन असीं लियावांगे जो भी होएगा उहदे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे हाँ गुरमुख सिंह जी का कहना है कि जांच का विषय है क्योंकि जड़ा एक हेरिटेज ट्री है इस दे आस पास बच्चे पहुँच रहे थे क्लोज रेंज दे विच बच्चे सीगे इस दे करके जड़ा क्या नुकसान जड़ी ये घटना वापरी है तो कितना कितने जड़े पेरेंट्स हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर दे माहौल दे विच है अनमोल जिदा जिदा पहला पेरेंट्स कह रहे थे कि कोई शेड नहीं है स्कूल के अंदर जिसके कारण बच्चे इतने दरखत हेठा यानी कि छां के हेठा आके खड़ जाते तो उस प्रति पेरेंट्स का की मनना है होर पेरेंट्स के भी जो हो सके तो गलबात जरूर करो जी बिल्कुल क्योंकि देखो पेरेंट्स भी इतने लगातार मौजूद ने सर जेडे बच्चों की सुरक्षा की गल है इतने बच्चों की सुरक्षा लैके
प्रशासन जिहड़ा स्कूल प्रशासन है उन्होंने वालों स्कूल अथॉरिटी वालों की कुछ इत्थे किया गया यह घटना क्यों वापरी की लगता है सर दिस इज़ अ नैचुरल थिंग जिहड़ा पेड़ गिरिया इहदे स्कूल क्या कर सकता है हाँ बच्चों कुछ चोट लगी है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट जिस चोट लगी है स्कूल का फोन आया सीगा कि आके बच्चों ले जाओ इन्हों भी कुछ उन्ना पता नहीं सीगा नाउ हैव टेकन माई डॉटर्स आर सेफ पर यह पेड़ गिरना दिस इज़ अ नैचुरल थिंग इस स्कूल की प्रशासन का क्या कर सकता स्कूल इज़ नॉट पेड़ गिरन का इज नॉट नथिंग टू डू विद द स्कूल तो बिल्कुल देखो अलग अलग राय जिहड़ी कि किशन सामने आ रही है कुछ जिहड़े पेरेंट्स ने उन्हां दा यह कहना है कि प्रशासन स्कूल अथॉरिटीज की गलती है कुछ का कहना है कि नैचुरल चीज़ है लेकिन सब तो वड्डी गल है कि जिन्हां दे जिहड़े बच्चे ने वो इस स्कूल च पढ़ रहे हैं उन्होंने मन के पेरेंट्स के मन के खास तौर पर एक खौफ दी अनमोल एक होर बड़ा अहम सवाल है कि जिहड़े बच्चे सी ओ स्कूल के अंदर बैठ के लंच क्यों नहीं करते बाहर बैठ के क्यों उन्होंने लंच किया या फिर क्यों वो बाहर आए कि स्कूल अथॉरिटी इस चीज़ बारे नहीं पता से कि बच्चे बाहर जा रहे हैं या उन्होंने द्वारा ही किया गया कि लंच ब्रेक है तुम बाहर जा सकते हो जी बिल्कुल क्योंकि देखो ये चीज़ पहला भी दसी जा रही है कि जेडे स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की गई सी कि जेडे लंच ब्रेक है उस दे विच जेडे बच्चे ने उन्होंने अंदर ही लंच करन दिता जाए लेकिन एहोजी कोई परमिशन नहीं दी गई जिस दे करके बच्चे भी जेडे कि देखो काफ़ी खौफ दे माहौल दे विच नज़र आ रहे हैं काफ़ी जेडे कि सहमे हुए डरे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहोजी सिचुएशन जिहड़ी हुई है अभिभावक जिहड़े कि पेरेंट्स इत्थे पहुँच रहे मैम की इन्फॉर्मेशन मिली सी तुहानू जदों अपने बच्चे नूं लैणा यही इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्री गिर चुका है आइए और बच्चों को फटाफट ले जाइए नहीं तो इत्थे जिहड़े जो तुसीं हादसा वेख रहे हो इस इसनूं किसनूं तुसीं जिम्मेवार समझदे जिहड़े स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उन्हां वल्लों एक कोशिश की जा रही है जिहड़ी स्कूल अथॉरिटी है उहदे वल्लों कोशिश की जा रही है कि पेरेंट्स की मीडिया के नाल ज़्यादा गलबात ना हो सके तो जिहड़े इत्थे लेकिन पेरेंट्स पहुंचे हुए ने उन्होंने मन दे विच अनमोल जिहड़े जिहड़े बच्चे जख्मी हुए ने उन्होंने कोई खबरसार कोई उन्होंने बारे कोई जानकारी सामने आई है क्योंकि यह भी जानकारी मिल रही है कि एक तो दो बच्चे ज़्यादा सीरीयस ने उन्होंने बारे कोई जानकारी मिली है कि हुण उन्होंने जिहड़ी सेहत है वह तंदुरुस्त जी बिल्कुल देखो 13 बच्चे जिहड़े कि इस पेड़ की इस दरख्त की चपेट के आते नज़र आए हुण 13 जिहड़े बच्चे सीगे उन्हां विचों एक बच्चे नूं ते एक टीचर नूं जिहड़ा की है रैफर कर दिता गया है हुण जिहड़ा कि PGI क्योंकि पहला 16 दे हॉस्पिटल दे विच लिजाया गया सीगा ते 16 दे हॉस्पिटल तो बाद हुण PGI रैफर जिहड़ा कि कर दिता गया है हालत जिहड़ी कि गंभीर दसी जा रही है जिहदे करके बच्चों नूं जिहड़ा कि PGI रैफर किया गया ते उत्थे ही जेकर गल करिए असी बाकी बच्चों की तो उन्होंने सिचुएशन जिहड़ी कि कंट्रोल च दसी जा रही है जिहड़े इत्थे होर बच्चे ने स्कूल अथॉरिटी वालों जो हादसा वापरिया तो इत्थे पेरेंट्स नूं फोन किया गया अभिभावकों नूं फोन किया गया कि जल्द तो जल्द इत्थे आ के अपने बच्चों नूं लैके जाण क्योंकि एक खौफ का एक डर का माहौल जिहड़ा कि बच्चों के बन गया सीगा ते अपनी बच्चों की सुरक्षा नूं लैके जिहड़े पेरेंट्स ने वह भी काफ़ी चिंतित सीगे तस्वीर तुहानूं दिखाई है कि स्कूल नूं इवैकुएट कराने की कोशिश जिहड़ी की जा रही है क्योंकि जिहड़े पेरेंट्स ने 15 बच्चे ने उन्हां दे जिहड़े की है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चिंतित सीगे अपने बच्चों की अपने जिहड़े की इत्थे स्टूडेंट्स ने उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं तो लगातार पेरेंट्स इत्थे पहुँच रहे हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का यह कहना है कि जिहड़े पेरेंट्स इत्थे पहुँचे हैं वो जिहड़े जिहड़े मीडिया के नाल गलबात ना ही करन किसी भी तरीके की उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया गया तो उत्थे दूजे पासे जिहड़े पहुँच रहे हैं काफ़ी खौफ का काफ़ी डर का अनमोल कुछ जानकारी मिल पाई है कि जिहड़े बच्चे जख्मी हुए ने उन्होंने किहड़े हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया या जिहड़े सीरीयस ने उहदा तुसीं जिक्र कर रहे हो किहड़े किहड़े हॉस्पिटल उन्होंने भर्ती कराया गया सीरीयस नूं ते जिहड़े तंदुरुस्त ने उन्होंने भी जी बिल्कुल देखो जिहड़े बच्चे ने सारियां नूं सब तो पहला 16 दे क्योंकि जियोग्राफिकली 16 दा जिहड़ा सरकारी हस्पताल है वह सब तो नेड़े सीगा तां क्लोज़ रेंज दे विच होण दे कारण जिहड़े बच्चे ने उन्होंने भर्ती उत्थे कराया गया ते 16 दे विच भर्ती जिहड़ा कि कराया गया ते जिस तों बाद जदों कुछ होर जिहड़े बच्चे सीगे जिन्हां दी सिचुएशन जिहड़ी कि हालत थोड़ी गंभीर सीगी उन्होंने PGI रैफर कर दिता गया सिविल डिफेंस की टीम्स भी इत्थे मौजूद ने पुछदे सर कदों इनफॉर्मेशन तुहानूं मिली सीगी ते की इनफॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँची सर सानूं इनफॉर्मेशन मिली कि कंट्रोल रूम तो मैसेज आया कि इतने स्कूल के पेड़ गिर गया है बच्चों के उत्ते
तो इमीजिएटली असी सारे अपनी टीम पहुँच गई जी मौके के उत्ते इतने आके देखा कुछ बच्चे इंजर्ड सके तो उन्होंने हॉस्पिटल रैफर कर दिया गया। बच्चों लैके कोई जानकारी जी हालत इस वक्त की है, बच्चों की स्टेबल है नहीं है? नहीं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता, कह सकते जी कि 16 में है, ठीक है, कुछ अंडर सिचुएशन ठीक है जी। कितने बच्चे जख्मी हुए एक बार ये भी इन्होंने सवाल कर लिया। एक टीचर नु जी कितने बच्चे जड़े के जख्मी थे नजर आए सके तुसी पहुंचो? सर 4-5 तो सके कंट्रोल ता, क्योंकि देखो इवैक्यूएशन का प्रोसैस जरा क्या शुरू हो चुका है, जोड़े बच्चे से उन्होंने क्ढन का इतों प्रोसीजर जरा क्या शुरू कर दिता गया, जिदे करके एग्जैक्ट जी फिगर है वो इन्हों भी नहीं पता, लेकिन 15 के करीब बच्चे जड़े कि हैं वो इस हादसे के जख्मी होंगे नज़र आए, जिसन लैके जदों ये बच्चों वेख्या गया, इन्हों की हालत में वेख्या गया तो इन बच्चों पहला 16 के अस्पताल लेके जाया गया, तो 16 के अस्पताल तो जदों एक बच्चा तो एक टीचर की हालत गंभीर होंदी है तो 16 के अस्पताल तो इन्हों फिर PGI ले जाया गया। तस्वीर तुम वेख रहे हो कि इस दरख्त को जोड़ा डिगया है दरख्त, इस चुकना है तो वो कि ज़्यादा मशक्कत इस वक्त लग रही है क्योंकि एक विशाल का दरख्त स तस्वीर इस गल तस्वीर गवाही भर रही ने कि पुराना पिपल का जो दरख्त है इसनों अंदरों शायद स्योंक ने खाधा होया तो बहुत वड्डा हादसे का एक कारण बनिया भी है, तो पहले भी शायद इस गल का इलम होना भी है क्योंकि खास तौर पर जेकर पुराना इन्ना ज़्यादातर दो तरह के दरख्त देखे जाते हैं या फिर बोर्ड या फिर पिपल का दरख्त होंगे जो काफ़ी पुराना बहुत लंबे अरसे का जो दरख्त होंगे तो पिपल के दरख्त अंदरों जिम्मे हूँ जो टुटे हुआ दिखाई दे रहा है इसनों स्योंक ने भी खाधा होगा कितना कितने कह सकते कि लापरवाही वरती गई है, पहला ही इस समय रेंदे ही कोई इजाजत लैके इस इतों हटाया या फिर कट्टिया नहीं गया तो ही करके हादसा वापर है जी। बिल्कुल देखो हजे ये चीज़ जड़े कि स्पैकुलेट नहीं की जा सकती कि स्योंक सगिया नहीं या फिर पेड़ दरख्त जरा कि कमजोर सी कि नहीं, ये तो चीज़ा इन्वेस्टिगेशन तो बाद पता लगनगियाँ, लेकिन जेकर इन्ना पुराना दरख्त है तो वो आले दुआले जोड़े बच्चे ने उन्होंने जान जरा कि है नहीं दिता जाना चाहिए। एक पासे तस्वीर थानू असं दिखा रहे हैं कि किस तरीके जेड़े इतने जोड़ा दरख्त डिगे वे उस किस तरीके हटाने की कोशिश की जा रही है, दूजे पासे जोड़े पेरेंट्स ने उन्होंने मन के भी खौफ इस वक्त नज़र आ रहा क्योंकि देखो जोड़े पेरेंट्स ने उन्होंने फोन कर दिता गया इतने आन तो अपने जवाकों स्कूल तो लैके जाता काफ़ी जोड़ा कि कह जा सकता क्योंकि बच्चे भी जोड़े कि वह भी दहल गए थे इस वाक्या तो बाद ज क्योंकि जोड़ा काफ़ी यहोजे बच्चे से लंच ब्रेक सारे जोड़े बच्चे से बाहर से, हालांकि बार बार पेरेंट्स वालों इस चीज़ को लैके सवाल खड़ा किया गया, जिवें कि पेरेंट्स ने ही दसिया कि इस चीज़ को लैके सवाल खड़ा किया गया सी कि जेड़े लंच ब्रेक है लंच ब्रेक दे विच अंदर ही जड़ा की है जेड़े जेड़े बच्चे ने उन्होंने लंच करन दी कोई परमिशन दिती जावे, लेकिन इस दे उत्ते किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जिहड़ी कि सामने नहीं आई, जिस तों बाद जो पेरेंट्स है वो इतने पहुँच के अपने बच्चों ने सर इनफॉर्मेशन की मिली सी तो सब तो पहला सर मैनू तो मेरे बेटी का कॉल आया बस लैन वास्ते कि आ जाओ इतने आ जाओ आई जस्ट तुसी वेख्या जो इतने तो बच्चे भी खौफ के माहौल थोड़े दहले हो एनीथिंग बट ठीक है पैनिक तो होंगे ही है सर तो पैनिक क्योंकि देखो सिचुएशन यह जी सी गुरप्रीत पैनिक तो होना लाजमी सगा तो खास तौर पर बच्चों की गल की जाए तो काफ़ी दहले हुए जड़े कि हैं वो बच्चे इतने नज़र आ रहे थे क्योंकि जड़े क्योंकि इवैक्यूएशन का प्रोसीजर जोड़ा कि चल रहा स्कूल न खाली जोड़ा कि कराया जा रहा इस वक्त जेड़े बच्चे बाकी इस स्कूल दे विच स्टूडेंट्स ने उन्हां दे सारयां दे पेरेंट्स नू फोन किए गए कि आके अपने इत्थों बच्चों नू लैके जाण ताकि जो कि है जेड़ा स्कूल है उसनू इवैक्यूएट कराया जाए, उसका कारण भी सीगा कि जेड़े जेड़े बच्चे इत्थे मौजूद सीगे उन्हां दे दिलां दे विच खौफ एक नज़र आ रहा सीगा, जिसनू लैके जेड़े बाकी जरा बच्चे सीगे वो भी काफ़ी दहले हुए सहमे हुए नज़र आ रहे थे, जिसनू लैके ये स्कूल अथॉरिटी वालों पेरेंट्स नू फोन किया गया तो उस तो बाद स्कूल नू इवैक्यूएट कराया जा रहा। तुसी वेख सकते हो जेड़े भी जदों हादसा होया लंच ब्रेक चल रहा सीगा उस हादसे तो बाद इतों स्कूल नू इवैक्यूएट कराया जा रहा है, जड़े मौके पर एंबूलेंसिस नू बुलाया गया, मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है, सिविल डिफेंस की टीम्स पहुंची हैं,
इन इन्हों वालों सारे वालों कोशिश की गई कि इसनों इवैक्यूएट किया जाए जेडे अंदर हालांकि पेरेंट्स काफ़ी पहुँच चुके हैं अपने बच्चों लैन लिए लेकिन बाकी जेडे पेरेंट्स जेडे बच्चे हैं इस वक्त हैं वो इस वक्त स्कूल के अंदर ही हैं काफ़ी सहमे हुए जेडे कि नज़र आ रहे क्योंकि हादसा भी काफ़ी दर्दनाक वापर है कि मौके पर कुछ अफसर जेडे कि हैं वो भी इतने पहुँच रहे हैं। बिल्कुल मौके पर अफसर जेडे कि हैं लगातार पहुँच रहे हैं ते सर की ते ते जिहड़े अफसर है उन्हों का कहना है कि एक बार मौके का जायजा जेडे कि कर रहे हैं उस तो बाद अपनी जानकारी जेडे कि देंगे। ये दर्दनाक जो हादसा सीगा इस दर्दनाक हादसे का इस दर्दनाक हादसा जो वापरिया उस तो बाद इतने जेडे स्टूडेंट्स ने उन्होंने वो भी काफ़ी सहमे हुए नज़र आ रहे ने। सो बिल्कुल हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुँच रही अनमोल तस्वीर साझे कर रहे हो तुम सो सीनियर पुलिस अफसर पहुंचे ने ते मौके का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर गलती की दी है या फिर किस वजह कारण यह हादसा वापर है क्योंकि जेकर अजि एक स्कूल एक जिम्मेवारी अदारे के अंदर इस किस्म की जेकर कदाही होंगी है तो कितना कित काफ़ी जो वे ने सवाल वो खड़े होंगे ने क्योंकि दस दिए कि सीधे तौर पर जो दरख्त डिग गया उसके नाल जी डीसी जड़े कि हैं विनय प्रताप जी वो इस वक्त इतने पहुंच चुके ने ते माननीय डीसी विनय प्रताप इतने पहुंचे ने जिन्हों वालों मौके का जायजा जड़ा किया लिया जाएगा। इतने जो दरख्त डिगया है उस जगह पर स्पॉट पर जड़े हैं वो पहुंच चुके ने चंडीगढ़ के डीसी इस वक्त जड़े कि मोइना लैन के लिए जायजा करन दे लई मौके दा इत्थे पहुंचे ने डी साहब वालों हालात जेडे कि हैं वो चेक किए जा रहे हैं सीनियर अधिकारी पहुंच चुके हैं डीसी विनय प्रताप जेडे फॉरेस्ट अधिकारी भी हैं वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं डीसी साहब के नाल गलबात की जा रही है पूरी सिनेरियो की सीगा उसनू जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके दा नाल किस तरीके दा नाल हादसा वापरिया ये पिछे की कोई अणगहली सी या फिर किसी तरीके की जिहड़ा कि जेकर इहदा इलम सीगा कि दरख्त पुराना है तो उहदे लई क्यों नहीं पहला कुछ जिहड़े कि स्टैप्स लए गए ये तमाम जिहड़ी चीज़ा ने उन दे उत्ते सवाल जिहड़े कि इस वक्त खड़े होंदे नज़र आ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब लैण दे लई डीसी साहब जिहड़े कि पहुँच चुके हैं ते नाल कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी इतने मौजूद ने क्योंकि दरख्त जिहड़ा कि हैरीटेज सीगा काफ़ी पुराना ये दरख्त सीगा विनय प्रताप चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप इतने मौजूद ने इस मौके का ज मुआयना करन दे लई नाल होम सैकटरी भी जिहड़े कि हैं मौजूद ने जिन्हों वालों मौके का जायजा जिहड़ा कि लिया जा रहा है एक रिपोर्ट जिहड़ी कि है जल्द तो जल्द तलब की जाऊगी कि कुछ किवें इत्थे ये हादसा जिहड़ा कि वापरिया सो बिल्कुल मौके दी तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो जिथे चंडीगढ़ के सैक्टर 9 के एक निजी स्कूल के विच हादसा वापरिया दरख्त डिग गया ते मौके ते हालांकि जिहड़ियां टीमां ने वह लगातार बचाऊ टीमां पहुँच रही ने ते दूसरे पासे जेकर गल की जाए तो 10 तो 15 जिहड़े बच्चे नूं जख्मी दसे जा रहे हैं जो जानकारी हुण तक मिल रही है ते नाल ही मौके ते चंडीगढ़ के डीसी भी पहुंचे हुए ने लाइव तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने कि मौके का जायजा लिया जा रहा है मौके के उत्ते की कुछ होया गुरप्रीत ये भी जानने की कोशिश करांगे क्योंकि इत्थे काउंसलर जिहड़े कि हैं एरिया काउंसलर वो भी इत्थे मौजूद ने सर की कुछ तुहानूं इनफॉर्मेशन मिली किवें ये पूरा हादसा जिहड़ा कि वापरिया ये लगभग जो है 11:15 बजे के करीब की घटना हैगी है उस वेले स्कूल का रिसेस टाइम होया कारमल कॉन्वेंट स्कूल है कुड़ियों का स्कूल है और चंडीगढ़ का बड़ा प्रेस्टीजियस पुराना स्कूल है और उस वेले जो है मैनू सूचना लगभग 11:30 बजे मिली कि इस तरह करके एक पेड़ गिरया है और जिसके कारण जो है उत्थे काफ़ी बच्चे उसके थले आ गए ने मैं इतने आके जो मौके पर देखा उस वेले काफ़ी अफरा तफरी का माहौल सी पेरेंट्स नू बाहर ही रोकया गया सी गेट के बाहर ओबियसली क्योंकि पेरेंट्स नू भी पैनिक सीगा कि हरेक नू सी भी बच्चे साढ़े अंदर ने किस दे नाल होया ये हरेक नू अपने बच्चे ही सेफ्टी का रहिंदा और स्कूल का सीगा कि असी एकदम अंदर पैनिक ना हो जाए वो बच्चों को क्लासरूम सारे नू बिठाया गया और पेरेंट्स नू बाहर रखा गया एक एक करके उन्हें बाहर भेजा गया और जदों आके उरे देखा गया ये पेड़ जिहड़ा है ये टुटिया
बच्चे उस वेले जिवें मैं दस्या रिसेस टाइम से इंटरवल सी इतने खाना खा रहे थे और 11:15 बजे करीब ये उन्होंने सिर पर गिरया जिस एक बच्ची की उत्थे मौके पर डेथ हो गई और 12 से 14 बच्चियां इंजर्ड ने। एक बच्चे की मौके पर मौत भी हो चुकी है, ये कहना है काउंसलर का इनफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है। तो बाकी जड़े की हैं वो इतने घायल सके जिन्होंने 16 के अस्पताल के ले जाता गया, जड़े जड़े बच्चे सके उन्होंने 16 के अस्पताल ले जाते गया। डीसी साहब तो पूछते हैं कि कुछ उन्होंने मौके पर वेख्या, जड़े डीसी हैं उन्होंने वालों मौके का जायजा जरा क्या लिया गया। जो डीसी हैं उन्होंने वालों एक रिपोर्ट जी क्या लाई जा रही है सर, इधर ही सर की कुछ डीसी साहब की कुछ जरा क्या वालों देखा गया की रिपोर्ट अभी ये इंसिडेंट 11:10 को रिपोर्ट हुआ था, तो इसमें जो एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ यहाँ पे था और ये हेरिटेज एक हेरिटेज ट्री की तरह से है और इसके ऊपर हमने जब चेक कराया तो इसके अंदर करीब 20 लोगों का यानी 19 बच्चों का और एक स्टाफ अटेंडेंट इंजरी सामने आई है और इसमें से एक बच्चे की हमारे पास अभी कंफर्म डेथ की न्यूज़ है और दो सीरियस कंडीशन में जो स्टाफ है वो और एक और बच्चा उसकी हम अभी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, PGI में उनको भर्ती किया गया है और इस वक्त हमने इसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहा है और इसमें आपने जैसे देखा है कि एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत जल्दी हुआ, मतलब जब ये पेड़ गिरा और बच्चे यहीं पे जो हमें बताया जा रहा था कि बच्चे यहीं पे खाना खा रहे थे, कुछ छोटी क्लासेस के बच्चे पहले खाना खा रहे थे वो उनका इंटरवल ख़त्म हुआ था और जो बच्चे दूसरे आए 9वीं-10वीं क्लास के थे वो जब यहाँ आए हैं वो करीब 13 से 17 साल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे टिफ़िन खा रहे थे और उनको इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो उसको यहाँ से हट पाए। तो मगर इस वक्त जो भी एक बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 10 मिनट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके एकदम 10 मिनट के अंदर PGI के अंदर इनको बच्चों को वहाँ पे PGI में और सेक्टर 16 के अंदर पहुँचा दिया गया था, कुछ लोग कुछ बच्चे फोर्टिस में भी एडमिट कराए गए हैं। टोटल सर 19 बच्चे और एक स्टाफ अटेंडेंट है, बाकी हालत उनकी जो है एक वो अभी फिलहाल मैं बस इतना ही डिटेल आपको दे रहा हूँ और इसकी अभी हमने डिटेल जांच के लिए आदेश मिनिस्ट्री ऑर्डर्स कर दिए। एक लास्ट सवाल है सर, ये आज के जड़े की होम सेक्रेटरी ने ते नाल इतने DC भी मौजूद ने, जड़े DC साहब ने उन्होंने वालों की कुछ जड़ी की है जानकारी ले गई मौके पे। 200 साल पुराना पीपल का पेड़ है, इसको लेकर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी लगातार मुद्दा ये उठाया गया था, इसके रखरखाव की बातें भी हुई थी लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए इसमें जो ये विषय है इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं यहाँ कंजर्वेशन के रूप में भी कई जगह उनको बचाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए आज आदेश भी पारित किए गए हैं, नगर निगम हॉर्टिकल्चर विभाग और फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी एक मिशन मोड पर इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं जो हमारे स्कूल या और किसी पब्लिक एरियाज़ में उनका इंस्पेक्शन करके तुरंत इसकी रिपोर्ट करके जो ट्रीज़ रिमूव करने लायक हैं उनको तुरंत रिमूव करेंगे ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना आगे कहीं ना हो। सर जो बच्चे घायल थे इसमें पता लग पाया कि कौन से क्लासेस के थे? देखिए लगभग जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बच्चे 8वीं से लेकर 11वीं क्लास के बच्चे थे, रिसेस का टाइम चल रहा था उस समय यहाँ खाना खा रहे थे और अचानक ये पेड़ गिरा है। इस समय बच्चे हमारे 16 सेक्टर के अस्पताल में हैं और जो कुछ
सीरियस थे उनको पीजीआई रेफर किया गया है। अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, स्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनको पीजीआई रेफर किया गया है। हाँ, अभी तक की जो खबरें आई हैं उसमें कैजुअलिटी भी एक रिपोर्ट की गई है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस तरह का विषय है, ये जाँच कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस तरह का पुराना पेड़ था और उसकी यहाँ पर प्रांगण में था। उसको आगे देखने के लिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 3 विभागों की कमेटी है, वो उसकी जांच करेगी और फिर उसके बारे में बताएगी। थैंक यू सर, क्योंकि ये बार बार इशू उठाया गया था कि ब्रीफिंग कर भी दी है अभी एचएस साहब। हाँ बिल्कुल, डीसी साहब से इस तो पहला होम सेक्रेटरी सी जिन्हों वालों जी के जानकारी दी गई, तो ये चंडीगढ़ के डीसी से जिन्हों वालों ये जानकारियां तमाम दिखाई गई कि किस तरीके ये हादसा जोड़ा कि वापरिया 8वीं दे जी की जमात के करीब दे बच्चे से जिन्हों इतने जिन्हों कैजुअलिटी जी की पूरी होंगी नजर आई, तो ये भी जरूर कंफर्म कर दिया गया कि एक कैजुअलिटी भी जी की एक बच्चे की हुई है। एक कैजुअलिटी दसी जा रही है कि एक बच्चे जी मौत हो चुकी है, तो इस अलावा एक बच्चा तो एक टीचर जी की है उन्हों की हालत गंभीर है, जिसनों लैके उन्होंने पी जी आई रैफर कर दिता गया।